तो हमारे एक व्यूवर है, उन्होंने मुझसे एक सवाल, एक प्रॉब्लम शेयर की है सॉल्व करने के लिए। जैसे कि उनके पास जो है वो नेम है और उनके पास सिटी है, तो एक अगले सीट पे चाहे इसी सीट में वो इस तरह चाहते हैं कि नेम और सिटी, लेकिन वो चाहते हैं कि नेम में जैसे पूजा हमने लिया, पूजा को पेश किया, चलिए यहां पे पूजा को यहां लिया, पूजा को पेश किया, एक पूजा को लिया और पूजा को पेस्ट किया, और फिर पूजा की सारी जो सिटी है ये पूरी सिटी को यहाँ पेस्ट करेगा और नीचे से ऊपर ले जाके इसको फिर फिल करेगा। मतलब जितने नाम उतनी बार सारी सिटी रिपीट होगी, फिर नीरज, और फिर इसको यहां से कॉपी करेगा और इसको पेस्ट करेगा और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करेगा। ईशा जी प्रॉब्लम समझ में आ गया? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हेलो, समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है? अब यस, प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको मैनुअल करेंगे तो चलो अभी तो 8-10 है तो 5-10 लगेगा, लेकिन जहां पे 100-200 हो वहां पे काफी टाइम लगेगा। तो इसी क्योंकि इसको नॉर्मल से एक्सेल से नहीं किया जा सकता, या किया जा रहा है तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी रिसर्च होगा, इसको हम के थ्रू चलिए ऑटोमेट करते हैं। अब देखिए, अब मैं जस्ट इसका यूज समझा रहा हूं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वीवीए देख रहे होंगे, अगर आपको कोड के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा। जस्ट आप बेनिफिट्स को समझे कि बेनिफिट्स कैसे है। जब आपकी कोर्स स्टार्ट होगी तो हम आपको शुरू से सिखाएंगे। हमने यहाँ पे एक मैक्रो बना दिया कॉपी लिस्ट के सीएल के नाम से, तो आप देखेंगे इसे हमने सब्जेक्ट सीएल ब्राइटन ओपन क्लोज लिखा मॉड्यूल्स में। कहाँ कैसे गया मैं गया डेवलपर में विजुअल बेसिक पे, तो मैक्रो लिस्ट में आपको सीएल आ जाएगा। तो मुझे रन करनी है यहाँ पे, हमारे पास जो डेटा है वो है 2 से लेके 11 तक, तो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा कि फोर I इक्वल टू चले 2 to 12 और नेक्स्ट I। कभी भी कोडिंग करें तो खाते स्मॉल लेटर या कैप्स लेटर में करें, क्योंकि जैसे ही टाइप करेंगे वो आपका टाइटल केस में हो जाएगा, मतलब कि कोड एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पे गलती होगी तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो है हमें कहाँ रखना है, यहाँ रखना है नहीं एच वाला में, तो यहाँ लिखूंगा रेंज एच 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज एक के साथ कंबाइन हो जाएगा आई डॉट वैल्यू। तो एक कोड क्या करेगा कि एक नाम को यहां से उठाएगा उठाएगा और यहां पे इसको कॉपी कर देगा। अब मैं इसको पूरे को कॉपी करना चाहता हूं डी से लेके 14 तक, तो यहां पे देता हूं रेंज D2 से स्टार्ट है और एंड के लिए हमने दे दिया रेंज डी 65,000। डायनेमिक कर लिए ताकि वो कल के डेट में डेटा बढ़ता भी है तो अपने आप को बढ़ा देगा, घटता है तो अपने आप को घटा देगा। डॉट कॉपी, अब इसको हमने यहां से जो सिलेक्शन होता है इस तरह से सिलेक्शन कर लिया, हमने ऊपर सिलेक्ट किया और नीचे से आकर लास्ट में सिलेक्ट किया कॉपी, हो इसको कॉपी कर लिया। अब मुझे कॉपी करने के बाद मुझे यहां पेस्ट करना है, कहां पे आई पे, तो आई पे नहीं मैं यहां लिखूंगा रेंज एच 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप और इसमें डॉट ऑफसेट डालूंगा, लेकिन इसमें 0,1 कर दूंगा क्योंकि अगली कॉलम में जाना है और पेस्ट स्पेशल कर देना है। पेस्ट स्पेशल में
पेस्ट ऑल कर दीजिए या पेस्ट एज ए वैल्यूज कर दीजिए, तो यहां आएगा और इसको पेस्ट कर देगा यहां। अब मुझे क्या करना है कि यहां पे जाना है और इसको पूरे को फिल करना है इस तरह से। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए मैं आऊंगा रेंज आई कॉलम में कि आई 65,000 डॉट एंड एक्स स्लैश अप डॉट ऑफसेट 0, -1 डॉट सेलेक्ट, और फिर रेंज और बोलूंगा कि एक्टिव सेल से स्टार्ट होगा और एक्टिव सेल डॉट एंड सबसे ऊपर की तरफ एक्सलेस अप, और इसमें मैं कर दूंगा फिल जा, और इसी प्रोसीजर को वो जितना नेम है उतना बार रन करेगा। तो 4-5 लाइन की कोडिंग थी, अब देखिए क्या होगा। मैं इसको इसको टेस्ट करके देखता हूं कि परफॉर्म सही कर रहा है या कहीं पे एरर है। फिल डाउन, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूं फिल डाउन की जगह पे। अच्छा यार स्पेलिंग मिस्टेक है, सही है, नहीं फिल डाउन ही रहेगा। ये जो एक्टिव, देखिए हमने क्या बोला था कैप्स में करने के लिए, तो कैप्स से चेंज नहीं हुआ, देखिए एक्टिव से चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हुआ क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक था इसलिए। यार ये कभी भी अगर करें तो स्मॉल लेटर या कैप्स लेटर में करें ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखिए मैं इसको एक बार रन कर दिया, रन हुआ और देखिए आपके सामने इसने पूरा डेटा को उसकी हिसाब से कर दिया। मैं दोबारा आपके सामने एक बार रन करता हूं, मैं मैक्रो में गया इसको रन किया, तो 2-3 सेकेंड लगे और हमारा काम कर दिया। ये काम करने में जो घंटों लगता उस काम के लिए, इसके लिए हमने सिंपल सा कोडिंग किया। तो लूप इसे लगाया था कि वो जितने नाम होते बार रिपीट कर दे और उसका यूज किया। अब इसमें अधिकतर चीजें आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी आपके पास नॉलेज नहीं है बीन जी का, मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो हेलो या लेकिन आप समझे हाँ कैसे हमने घंटों का काम को सेकंड में कर, ठीक है? पूरी आपको लैंग्वेज समझेंगे तो समझ में आया कि हमने रेंज का इस्तेमाल क्यों किया, हमने एंड का इस्तेमाल क्यों किया, एंड को हमने एक्सेल अप क्यों दिया, डाउन क्यों नहीं दिया, ऑफसेट क्या काम करता है, और हमने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल क्यों किया, हमने पेस्ट क्यों नहीं किया, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, फिल डाउन क्यों दिया, वो चीजें इसमें है। ये सब चीजें तभी समझ आएगी जब आप पूरी लैंग्वेज से समझो। लेकिन याद रखिएगा एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए वीडियो सीखने के लिए। ओके ओके